इसराइल ने बड़ा हमला किया है। भारतीय वक्त के मुताबिक रात 3:30 और 4 के बीच में यह हमला बताया जा रहा है। ईरान के समर्थक ग्रुप एक मिलिटियन जिसका नाम ग्रुप का नाम हजदुश शाबी है उसको निशाना बनाया और कहा जा रहा है कि ये एयर स्ट्राइक थी और ये भी कहा जा रहा है कई जगह की मिसाइल अटैक था, लेकिन ये हमला बड़ा था, ये कन्फर्म मैं कर रहा हूँ, हमला बड़ा था। फिलहाल तक की जानकारी ये है कि इस इराक की सरजमीन पर हमले में 1 हजदुश शाबी के लड़ाकू की मौत हुई है और 20 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या बढ़ सकती है और हो सकता है मौत की भी संख्या बढ़ जाए। फिलहाल जो तस्वीर आ रही है वो खौफनाक है। आपको बता दूं कि झेप मिटाने के लिए, क्योंकि ईरान पर अटैक इसराइल बड़ा नहीं कर पाया, पूरी तरह से बेइज्जती हुई, खिल्ली उड़ी, मीम बने, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इराक पर या सीरिया पर इसी तरह के हमले करके इसराइल अपनी झेप मिटाएगा। يا علي دخيلك انزل واسيا 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 اوقف اب میرے دوستو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بتا دوں کہ اسرائیل نے حملہ کیوں کیا۔ اسرائیل کے حملے کی وجہ یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے۔ یہ عراق کے حشدش شعبی نے ہی حملہ کیا تھا، ड्रोन हमला किया, मिसाइल अटैक किया और उसकी वीडियो जारी करी थी। गाजा के समर्थन में हजदुश शाबी इसी तरह से हमले कर रहा था जिसकी जवाबी कार्रवाई इसराइल की बताई जा रही है। वहीं अमेरिका की पूरी सिट्टी पिट्टी गुम है। अमेरिका ने सफाई दी है कि यह हमला हमने नहीं किया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मेरे दोस्तों अब देखना यह है कि होगा क्या। हालांकि ईरान और इसराइल का मामला ठंडा पड़ चुका है और ईरान पर सस्ते हमले का मजाक इसराइल का उड़ाया जा रहा है। फिलहाल की रिपोर्ट।